नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंडी भरत देवभूमि उत्तराखंड से। आप अभी देख रहे हैं उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स। ये मेरे इस चैनल का पहला ब्लॉग है। अभी हम दिल्ली में हैं और दुबई जा रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये है हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, दिल्ली एयरपोर्ट। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब अंदर जाके चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ करनी है। तो हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है, सामान हमारा जा चुका है और अब हम जहाज की ओर प्रस्थान करते हैं। भाई का मिडिल सीट है और ये पूरी किट पहनेगा। और ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट। मिस्टर सुनारिया, कैसा फील हो रहा है मेरे भाई? बिना पढ़े लिखे डॉक्टर चलें। और अब जहाज हमारा इंतजार कर रहा है। क्यों मेरे भाई, कैसा लग रहा है क्राउन पहन लिया? और भाई साहब के सामने एयर इंडिया का विमान है, ये हमारा विमान। ये विमान की ओर जा रहे हैं हम। खुशी देखिए सुनारिया को। चलिए चलिए सर, कुछ कहना चाहेंगे? ओके। जैसा कि आपने सुना, फ्लाइट में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो अब हम दुबई आ चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल। होटल है हमारा जीवोरा होटल, है वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल है। तो चलिए आपको ज़रा होटल के दर्शन करा लेते हैं। फ्लोर कौन सा हमारा? 51। ये सामान हमारी 51। नंबर क्या है? 51-0। तो अगले कुछ दिनों के लिए ये हमारा आशियाना है। तो होटल काफ़ी अच्छा है, रूम के साथ दो बाथरूम अटैच हैं। एक ये देख रहे हो आप, और ये छोटा सा किचन है। यहाँ पे अगर आपको स्वयं खाना बनाना है तो सारी सुविधा उपलब्ध है। बाकी जैसे आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो ये सामने आपको वॉशिंग मशीन की सुविधा है, कपड़े धोने हैं, जो मर्जी करना है कर सकते हैं। ये बड़ा सा एक फ्रिज दे रखा है हमें, और ये जो है बड़ा बाथरूम, इसमें टब की सुविधा उपलब्ध है। तो आराम से पानी भर के नहाते रहो, डूब जाओ चाहे। बाकी ये देखिए हमारा सामान बिखरा पड़ा है, और कुछ ऐसा दिखता है हमारा रूम जहाँ हमने अगले कुछ दिनों में रहना है। ये हमारे चाचा जी हैं जो हमें रिसीव करने आए हुए थे। तो रूम हमारा 51 फ्लोर पे है, और रूम लेने का मकसद क्या था हमारा अभी बताता हूँ। अमित ज़रा लाइट बंद करना, अब आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। ये अंधेरा हो चुका है, अब पर्दे हटेंगे। चाचू ज़रा पर्दा साइड करना, और ये खुला हमारा पर्दा और सामने आपको दिख रहा है दुबई, और वो सामने लंबी सी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। नीचे आपको रोड दिख रहा है, रोड पे छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही है, ऊंचाई काफ़ी है। 51 फ्लोर पे हैं हम, और चारों तरफ रूम जो है कांच के शीशों से घिरा पड़ा है। और अभी मैं ये हटाता हूँ, देखिए बाहर, ये उधर गया। और सबसे लास्ट खिड़की है इस रूम की, उससे आपको दुबई का दीदार कराते हैं। चलते हैं ज़रा उस खिड़की की ओर, और ये देखिए यहाँ से आपको तकरीबन पूरा दुबई दिख जाएगा। रात के समय दुबई और भी खूबसूरत लगता है। और ये देखिए सामने, यहाँ से भी बुर्ज खलीफा दिख रहा है आपको। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, लाइट चला दे मेरे भाई। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है हमारी होटल की खिड़की से। बाकी थक चुके हैं, और थकावट मिटाने के लिए हम नहाने जाएंगे नीचे स्विमिंग पूल में,
जो 12th फ्लोर पे है, और अभी हम हैं स्विमिंग पूल एरिया में। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, सामने बुर्ज खलीफा दिख रही है आपको, लंबी लंबी इमारतें, गगनचुंबी, तीन प्रकार के स्विमिंग पूल यहाँ पे हैं, ठंडा, गर्म और बच्चों के लिए। तो कुछ ऐसा नज़ारा है स्विमिंग पूल के एरिया से बाहर दुबई का। और जो ये आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है हमारा होटल जिवोरा होटल। तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है और ऊपर देखने में गर्दन दुख जाती है। तो अब फ्रेश हो चुके हैं, अब कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करेंगे और सो जाएंगे। मिलते हैं आपको सुबह। तो दुबई में ये हमारी पहली सुबह है और आज हमारी यात्रा है दुबई मॉल की ओर, और वहाँ से बुर्ज खलीफा। तो चलिए मेट्रो के सहारे आपको दुबई मॉल पहुँचाते हैं और उसके बाद आपको दीदार कराएंगे बुर्ज खलीफा का। ये है हमारे आज के दिन के गाइड, हमारे चाचा श्री। कौन सी स्टेशन जाना हमने? ये अभी हमें यहाँ पे आएगी अभी मेट्रो। दुबई मॉल की तरफ, ये है आपके सामने बुर्ज खलीफा का आधा, अभी पूरा दिखाएंगे आपको। और सामने अब आप देख रहे हैं दुबई मॉल, जहाँ हमको जाना है। तो ये है द दुबई मॉल का पूरा पिक्चर, जहाँ हम अभी जा रहे हैं। ये जो है एक्वेरियम है, अभी टिकट लेने जा रहे हैं ना चाचा हम। चलो फिर टिकट लेने चलते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ जाएंगे। ये देखिए क्या कितना खूबसूरत लग रहा है, मछलियाँ, शार्क, ऐसी ऐसी मछलियाँ तो देखी भी नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बस टिकट लेके आते हैं पहले और उसके बाद फिर आनंद लेंगे इसका, और आपको भी दिखाएंगे झलकियाँ।